कल पटियाला सिटी दे विच जिहड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट होया सी उसके संबंध दे विच पुलिस डिपार्टमेंट पटियाला पुलिस ने 6 एफआईआर जिहड़ियां रजिस्टर कीतियां ने उस विच 3 अक्यूज्ड जिन्हां नूं हुण तक उन्हां दी गिरफ्तारी पाई जा चुकी है। हरी सिंगला ने 2 अक्यूज होर ने जिन्हां दे नाम साढ़े कोल प्रेस नोट दे विच हैगे तुहानूं असीं सर्कुलेट कर देंगे। इस 24 अक्यूज जिहड़े है वो होर नॉमीनेट किए जा चुके हैं जिहदे विच मेन अक्यूज बरजिंदर सिंह परवाना जो राजपुरा नूं बिलोंग करता है जिहड़ा कि वन ऑफ द मास्टर माइंड है ये सारा चीज़ उसने प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। इज़ वन ऑफ द मेन अक्यूज वो अजे यट टू बी अरेस्टिड है। उस टू अरेस्ट करने लिए पटियाला पुलिस ने काफ़ी सारिया रेडिंग पार्टीज बना के रेड किए हुए हैं और कल रात भी रेड चलते रहे हैं। अज डे टाइम्स भी बरजिंदर सिंह परवाना शॉर्टली जी है पटियाला पुलिस अरेस्ट कर लेगी। हरीक सिंगला जिन्हों के खिलाफ एक FIR दर्ज है उन्हों की भी अरेस्ट जी है इस केस पै चुकी है। 2 दिन का पुलिस रिमांड है उन्होंने पुलिस रिमांड के फरदर इस केस का जी डिटेल्स है वो दौड़गियाँ दैट विल बी शेयर। मैं मीडिया के माध्यम राही ये कहना चाहना कि जो भी अक्यूज इस केस के इन्वॉल्व ने वट एवर दे कनैक्शनस दे विल बी अरेस्टिड इंटरोगेटिड और उन्होंने खिलाफ़ चार्जशीट्स बना के असं कोर्टा भेजा। किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पटियाले शहर का पीस ऑफ माइंड लॉ एंड ऑर्डर और कम्यूनल हारमोनी और पीस जी है असं हर हालत में बहाल रखा। पटियाला सिटी के साढ़े डी जी पी लॉ एंड ऑर्डर ने स्पैशल फोर्सिस भेजी ने ARP टीम आ गई ने साढ़े को स्पैशल आर्म बटालीयनस तो कंपनीज पहुँच गई ने सिटी में असी डे एंड नाइट डोमीनेट कर रहे हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैजर रखने वास्ते असी अज एक पीस मीटिंग भी की है। मैं कमिश्नर साहब ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला नवे SSP साहब ने ज्वाइन किए दीपक पारिक जी उस पीस मीटिंग पीस कमेटी मीटिंग ऑल रिलीजनस के इंपॉर्टेंट जो रिप्रजेंटेटिव सके शहर के हर वर्ग में बिलोंग करने वाले मौजूद सारे नाल बैठ के असी उन्होंने सारिया चीज़ा शेयर कीतियाँ कि शहर की शांति हर हाथ में बनाई रखेगी और पुलिस प्रशासन पटियाला पंजाब पुलिस विल कम डाउन वेरी हैवीली ऑन एनी अक्यूज हु विल ट्राई टू डिस्टर्ब द पीस एंड कम्यूनल हारमोनी। और पीस कमेटी मैंबर्स ने सानू आश्वासन दिता कि शहर के किसी किस्म का कोई तनाव कोई प्रोसेशन या इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया जाएगा कि जिद नाल प्रशासन को कोई लॉ ऑर्डर का इशू क्रिएट हो जाए। जिहड़ा मेन प्रिंसिपल कंस्पिरेटर है बरजिंदर सिंह परवाना इसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड साडे कोल सारी असी डिटेल कढ ली है। 4 FIR के खिलाफ रजिस्टर्ड ने ये अरेस्ट भी होया केसां च बेल ते अंडर ट्रायल भी ने। इसकी अरेस्ट तो बाद जिहड़ा कोई कंस्पायरेसी एंगल साढ़े सामने आएगा उसकी पूरी डिटेल भी जाके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और नो बॉडी विल बी स्पेयर्ड। पुलिस इज़ वेरी फर्म एंड स्ट्रोंग ऑन दिस कन्विक्शन कि लॉ एंड ऑर्डर इशू कम्यूनल पीस को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी अंसर है हूसोएवर मे बी किसी लेवल पर भी है विल बी अरेस्टेड ब्रॉट टू बुक। थैंक यू। नहीं कुछ बाई नेम है कुछ दे विच येट टू बी नॉमीनेटेड है मतलब मॉब जिथे अटैक किया उस कुछ आइडेंटिफाई हो गए ने। FIR नंबर मैं तुम दस सकता FIR नंबर 74 है हरी सिंगला उन्होंने खिलाफ बाई नेम है। कुछ FIRs में परवाना या होर अक्यूज असी नॉमीनेट कर रहे हैं। सो प्रेस नोट डिटेल्स है वी कैन शेयर विद द मीडिया।
sections of sedition because the kind of normally which is happening. Have you added these sections in any of the Pardon? Sections of sedition, have you added? In one case we have added, in Harish Singla's case, 153A section we have added. Can you elaborate how the sequence of incident unfolded? What happened? The basic sequence of incident of the crime which happened. The sequence of incident. Sequence. I can tell Deputy Commissioner, he can share a little bit with you. Because I have joined today. By today morning joined. छे एफ आई आर इस तरह हुई हैं कि मॉब स्टार्टेड फ्रॉम दुखनवारन के गेट तो निकल के वक्रे वक्रे चौंक के इंसीडेंट हुई हैं कि कृपान लगी किसी को किसी ने किस तरह का इंसीडेंट होया फिर काली माता मंदिर के बाहर आके सिक्स एफ आई आर मतलब सिक्स डिफरेंट लोकेशन के उपर लॉर्ड ऑर्डर इशू क्रिएट हुए हैं परवाना के खिलाफ एलिगेशन हैं कि वो ही इज द मेन मास्टरमाइंड उसने सारा एक प्लान किया और इस सारा लॉर्ड इशू क्रिएट करने पिछे उसका मेन हाथ है ही इज वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स ही हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड विल बी अरेस्टेड शॉर्टली सो फार थ्री अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड मैं थोड़ा उन्होंने नाम दस देना वन इज हरीश सिंगला सैकेंड इज कुलदीप सिंह दंथल एक दलजीत सिंह रिमपल सो थ्री अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड सर ये लोकल लैवल से सारा कुछ तुम्हें लग रहा है या पिछले कोई गल सी क्योंकि बहुत ज्यादा कहना कि पुलिस वालों या जो मौके की जो पहला इन्वॉल्व दसा गया कि यह सारा कुछ हो रहा है ये हो सकता है देखो ये सारी चीज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन कई चीज़ा पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है वो मीडिया नाल शेयर नहीं कीतियां जा सकदियां आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनी लैब्स टुडे मैं आई हैव ज्वाइन टुडे मैं अज ज्वाइन किया द मैंडेट ऑफ माई प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द मीडिया is very brief I have joined today whatever police has done thonu in brief nutshell assi das ditta rest of the thing is part of investigation the details cannot be shared today jina sir 6 afsar badal ke gaye ne to police da lab hoega nahi badal I cannot comment on it sir community leader sir jo abhi bhi social media par dono hi Anything provocative which come to my notice or the notice of district administration, we register FIR immediately. This is all part of investigation. Within a day, within 24 hours, we cannot share the details which you people are asking. जिन्हिया वीडियो साढ़े को आ रही ने या सीसीटीवी फुटेज है ऑल विल बी एग्जामिन्ड और बेसिस से जो लीगल कार्रवाई बनती है इंटरनेट सेवा चालू करती गई है डीसी साहब एक मिनट डीसी साहब करो ब्रीफ Curfew was lifted at 6 in the morning. Internet services have been restored as of 4 p.m. today.
तो आपके अगर धीरे धीरे हो जाएंगे माइट बी सम इन्फॉर्मेशन आई थी पहला कि अगर कुछ हो रहा है कुछ फ्यू ऑर्डर्स फॉर ऑपरेटिव कर्फ्यू ऑपरेटिव जो थी कर्फ्यू ऑर्डर्स लिफ्ट हो चुकी है, वो 6 बजे तक आज सुबह की थी। उसके बाद सिर्फ जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन का हमने ऑर्डर किया था टू इंश्योर कि देयर इज नो यू नो रूमर मॉन्गरिंग ना हो, तो वो भी अब लिफ्ट हो चुका है एज ऑफ 4 PM इफेक्टिव। आपको आई थिंक इंटरनेट सर्विसेज भी वापस आ चुकी, रिस्टोर हो चुकी है। My dear friend, we have told whatever information we have, whatever we can share to the media without hampering our investigation, I have already shared with you my media friends. Now, rest we cannot share. I have joined today just few hours back. Whatever information I collected, I shared with media, FIRs, little bit of investigation, and all those things we collected, we shared with the media. Twenty-five accused nominated, 3 arrested, 22 yet to be arrested, but we cannot share the name of these 22. It is too early to comment on all these things. Investigation is just 24 hours. Gentlemen, I cannot comment all your queries today. Reason being, I have joined today. Whatever information I gathered, I shared with my media friends, so that right perspective should go to the media and to the newspaper. It's just one of the... He is one of the mastermind who has all created all this law and order issue. You see, he is yet to be arrested. You see, after his arrest, many angles of investigation and inquiry will come out. Bullet injury, ek bande nu hui hai. He is in the hospital, out of danger. And we examine kar rahe hain ki wo bullet haje extract nahi ki thi gi, because doctor say ki if they extract the bullet, it can be fatal for the patient. We are identified different angles ki goli kis taraf aayi hai, kis di lagi hai. Ek special. Ek pan DC saab suno. Main respond kar rahi hu ji. DC saab suno. मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। देखिए, एक्चुअली इन्होंने एग्जामिन किया गया है वक् वक् स्पेशलिस्ट तो, बिकॉज गोली जिस तरह वो इम्बेडिड है वो किसी ऑर्गन को पियर्स नहीं की है, वो मतलब उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर के थले किसी तरह फंस गई है, बट थैंकफुली इट हैज नॉट पियर्स एनी ऑर्गन। सो बहुत सीटी स्कैन वगैरह तो बाद जेड़ा ओपीनियन रजिंद्रा हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट ने दिता है, एक्चुअली उन्होंने यूरोलॉजी है, इज दैट एक्सट्रैक्शन इज worse than, you know, it is better to maybe allow it inside. So we have asked for a second opinion. PGI ki team jehdi hai hun Chandigarh to do specialist, do mahir, unna nu aaj examine karan Rajendra aa rahe. So after that further medical examination we will be able to give you better idea.
हाँ जी ऑफ कोर्स मतलब उनके बयान पे भी एक FIR लॉज हुआ है तो ऑफ कोर्स वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं समाप्त करदा प्लीज एक मिनट। पता की है, दिस इज नॉट ए कोर्ट, दिस जस्ट ए स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अप्राइज यू दैट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज नॉट हैपेंड। वी शुड बी थैंकफुल टू पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो दैट दे हैड वर्कड डे एंड नाइट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने गलत अंसर ने अपना काम करने की कोशिश की, पटियाला का हालात बिगाड़न की कोशिश की, पंजाब का हालात बिगाड़न की कोशिश की। साड़ी पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके टैकल किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने टैकल किया एंड अगे तो जी हम इन्वेस्टिगेशन जी है वो जारी ने, जिस तरह आई जी साहब SSP साहब ने दसिया है और उत्ते हूँ इस वे कोई भी क्वेश्चन करोगे इस वे इस मूवमेंट के उत्ते जवाब देना मुश्किल होएगा। तो थैंक यू वेरी मच।